आज हम देखते हैं वोल्टेज बिल्डर प्रोसेस इन डीसी शंट जनरेटर। तो ये हमारा आर्मेचर है, हमने आर्मेचर बनाया है, इसके पैरेलल हमने शंट वाइंडिंग बनाई। ये जो वाइंडिंग होती है फील्ड पर होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलल में, तो इसलिए हम इसको शंट जनरेटर बोल रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कि हम ये नो लोड पर करेंगे, कि हमारा वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस जो है हम नो लोड पर देखेंगे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, जहाँ पे भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ई जी हमारा जनरेटेड वोल्टेज है, आई हमारा आर्मेचर करंट है, कैपिटल आर ए हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है, आई एफ हमारा फील्ड करंट है और आर एफ हमारा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर के वी एल लगाते हैं इस लूप में, इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लीजिए, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करंट इधर से एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो ई जी माइनस से प्लस की तरफ गए, यहाँ से प्लस से माइनस, माइनस आई ए आर ए, माइनस आई ए आर ए, और यहाँ से प्लस से माइनस, माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए। दो और हमसे यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज वी है, यहाँ पे आई एफ आर एफ है, तो जो पैरेलल में होगा वोल्टेज वो इक्वल होगा। अगर यहाँ पर वी है तो ये वी वी होगा, ऑल्सो वी इज इक्वल टू आई एफ आर एफ, यहाँ से हमें पता लग रहा है। तो हमें क्या देख सकते हैं कि आई एफ इज इक्वल टू वी बाई आर एफ। तो हमें वोल्टेज बिल्डर प्रोसेस देखना है। वोल्टेज बिल्डर प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हम नो लोड पे हम अपने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो आउट टर्मिनल्स पे वोल्टेज आती है वो हमारी रेटेड वोल्टेज के बराबर होती है। वो कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है? तो इनिशियली जब हमारा ये देखते हैं, ये आर एफ है, यहाँ पे आई एफ, यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये हमारा ई जी। तो सबसे पहला कि अगर हमारा जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस, इसमें कोई हमारा कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो हमारा आर्मेचर है ये बेसिकली क्या है, ये रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन है। तो रोटेट जब होगा तो इसको फील्ड चाहिए, तो फील्ड यानी मैग्नेटिज्म। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं इसके अंदर रेजिडुअल फ्लक्स था फाई रेजिडुअल। अब क्योंकि ये रेजिडुअल फ्लक्स मौजूद है, इस रेजिडुअल फ्लक्स के प्रेजेंस में जब हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा, तो आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो फ्लक्स कट होगा कंडक्टर्स में, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ तो करंट हमारा ज़ीरो होगा, आईएल हमारा ज़ीरो। तो जितना भी करंट प्रोड्यूस होगा वो हमारा आईएफ के फॉर्म में इधर मूव करेगा। तो जब इधर मूव करेगा तो हमारा जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आई के, तो यानी फाई हमारा इंक्रीज होगा। फाई इंक्रीज होगा तो उससे हमारा ई जी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। वाई, क्योंकि ई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एन पी फाई जेड बाई 60 है, यहाँ पे फाई हमारा फ्लक्स है। अब ई जी बढ़ गया, ई जी जब बढ़ा, अगर आप यहाँ इक्वेशन पे ध्यान दें, जब ई जी बढ़ा तो हमारा वी भी बढ़ेगा, क्योंकि एटम इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि आर एक हमारा बहुत माइन्यूट ड्रॉप होता है, लेस
रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत कम होगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है तो हमारा कुछ ऐसे होगा कि ये जो है हमारा रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से बना। अब ये रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से बना तो इसके इफ़ेक्ट से हमारा फील्ड करंट बढ़ेगा। अब ये जब फील्ड करंट बढ़ा तो जाहिर सी बात है हमारा वोल्टेज भी बढ़ा, तो फिर हमारा दोबारा से फील्ड करंट इंक्रीज़ होगा, फिर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, फिर फील्ड करंट इंक्रीज़ होगा, फिर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, फिर हमारा फील्ड करंट इंक्रीज़ हुआ, फिर वोल्टेज, यही स्टेप हमारा लगभग चलता रहेगा। ये हमारी आई एफ आर एफ लाइन है, इसको हम रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस लाइन। या फिर फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। तो ये जो कर्व बनाएगा ये कुछ ऐसा कर्व बनाएगा, और जब सैचुरेट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे जाके कोइंसाइड करेगा। तो हमारा कुछ कर्व ये जब मैग्नेटिक सैचुरेशन हो गया तो ये हमारा वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे वी नॉट। ये हमारा फील्ड करंट, ये हमारा जनरेटेड वोल्टेज है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारा वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस शंट जनरेटर में हो रहा है तो क्या सीरीज जनरेटर में भी होगा? क्वेश्चन इज वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल इन सीरीज जनरेटर एट नो लोड। देखते हैं, तो ये हमारा सीरीज जनरेटर बनाते हैं, ये हमारा सीरीज जनरेटर है, ये इसका आर ए, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग आर एफ, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज वी, ये जी। तो यहाँ पे हमारा रेजिडुअल फ्लक्स मौजूद था, रेजिडुअल, तो ई एम एफ तो बन जाएगा, कुछ ही ई एम एफ बनेगा, लेकिन क्योंकि ये जो हमारे पास फ्लक्स है रेजिडुअल फ्लक्स, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो हमारा करंट कितना है, ज़ीरो। तो जो रेजिडुअल है उतना ही आएगा, और जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो ई रेजिडुअल मिलेगी। तो इसलिए वोल्टेज बिल्डअप जो है हमारा सीरीज जनरेटर में नहीं होता।